हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर के लगभग नारीबाड़ी में टोंस नदी पर एक नया ब्रिज बन रहा है, आज हम उसी का व्यू करने चल रहे हैं। दोस्तों ये देखिए टोंस नदी पर न्यू ब्रिज का कार्य वर्कर्स के द्वारा यहाँ किया जा रहा है और जस्ट सामने पुराना ब्रिज। न्यू ब्रिज बनने का एक रीज़न ये है कि जो पुराना ब्रिज है उसमें सिंचाई के लिए नहर की भी और ऊपर से सड़क यातायात के लिए ब्रिज बनाया गया था। जो देश जब अपना आज़ाद हुआ था उसके जस्ट बाद ये पुराने ब्रिज का निर्माण किया गया था, जो कि अब जर्जर स्थिति में हो चुका है। भारी वाहन उस पर आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नए ब्रिज का जो कार्य किया जा रहा है इसकी लंबाई 718 मीटर लगभग बताई जाती है। लगभग 63 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताया गया है। ये देखिए पुल पर इस समय बहुत जोर शोरों के साथ कार्य चल रहा है। उसी जस्ट बगल में देखिए पुराना ब्रिज आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए टोंस नदी का जल कार्य यहाँ पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अब यहाँ से हम आगे चलकर आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। कई मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि अपना कार्य कर रही हैं। ये देखिए एक रास्ता सड़क बना दिया गया है और उसी के जस्ट बगल में ये देखिए क्रेन के द्वारा कुछ सामान नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। ये देखिए इधर पिलर तैयार किया जा रहा है और आगे जो है पिलर उधर सब बन गए हैं और ऊपर देखिए खाका भी रख दिया गया है। ये देखिए कुछ कार्य इधर अभी बाकी है, बाकी और हो गया है। ये पूरे ब्रिज का हम व्यू आपको दिखा रहे हैं। जस्ट बगल में पुराना ब्रिज भी टोंस नदी का जल देखिए कितना खूबसूरत शांत एवं स्वच्छ दिखाई दे रहा है। और ये नए ब्रिज का व्यू देखिए जो पानी को बांधा गया है कितना तेज बहाव के साथ एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहा है। अब हम ब्रिज के ऊपरी छोर पर आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर टोंस नदी पर जो नया ब्रिज बन रहा है इसके विषय में जानकारी देने का मेरा तरीका पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं धन्यवाद।